नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पटना कांग्रेस अध्यक्ष शारदा पाठक ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि 18 साल से चलने वाली भाजपा ने विकास के नाम पर सिर्फ विनाश ही किया है, तो फिर ये विकास यात्रा का दिखावा क्यों? ये भाजपा की विकास यात्रा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की निकास यात्रा है, विनाश यात्रा है। आप भी सुनिए पन्ना कांग्रेस के अध्यक्ष शारदा पाठक को। हमारे कमलनाथ जी आ रहे हैं और जा रहे हैं घोटालेबाज। ये घोटालेबाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान की विश्वासघात की सरकार को अब जनता उखाड़ फेंकेगी। हमारे कमलनाथ जी से शिवराज सिंह चौहान 15 महीने की सरकार का हिसाब मांगते हैं, मगर शिवराज सिंह चौहान 195 महीने की सरकार का कोई हिसाब नहीं दे रहे। भाजपा की तथा कथित विकास यात्रा को मध्य प्रदेश की जनता ने निकास यात्रा बना दिया है। कुछ घोटाले बताए हैं आपने, बहुत सारे घोटाले हुए हैं, कौन से घोटाले? ये घोटाले सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, 150 घोटाले हो चुके हैं। पहले नंबर अजन्मे बच्चे के साथ आयुष्मान घोटाला, जन्मे बच्चे के साथ पोषणहार घोटाला, स्कूल बच्चे के साथ छात्रवृत्ति घोटाला, यूनिफॉर्म घोटाला, युवाओं के साथ आप सबको विदित है व्यापम घोटाला, और भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के साथ भी जो महाकाल घोटाला, सिंहस्थ मेला में जो घोटाला हुआ वो सबसे बड़ा घोटाला रहा है। आम जन के साथ बिजली घोटाला, पेंशन घोटाला, महिलाओं के साथ घोटाला, कन्यादान घोटाला, पोषण आहार घोटाला, और जन जन के साथ घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, वृक्षारोपण घोटाला, नर्मदा जो पवित्र नदी है उसके साथ भी उन्होंने नहीं बख्शा, वो भी एक बड़ा घोटाला है। नर्मदा परिक्रमा में भी इन्हें घोटाला किया। किसानों के साथ खाद और बीज यूरिया का घोटाला। राजनगर क्षेत्र में इसमें क्या कहना है? हम अवैध उत्खनन की बात कर रहे हैं, पहले हम पूरे घोटाले की बात कर ले, फिर उसके बाद हम लोग क्या मांग रहे। सबसे पहले जो अभी 2 महीने की कितने दिन चलना है, हम लोग है ना हर जगह जो आप विकास यात्रा कर रहे हैं, कहां पर आपकी विकास यात्रा है?